दसवां रैंक मैं हासिल कर पाया, तो उसके पीछे दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आज आप सबसे शेयर करूंगा। पहला तो ये है कि आप अपने समय की कीमत को पहचानें। आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा वापस लौट के नहीं आने वाला है। आप अगर एक सेकंड भी व्यर्थ करते हैं तो बाद में वो एक सेकंड आपका एक साल बर्बाद कर सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉलेज का हो या SSC, बैंक, IAS, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे एक साल डेढ़ साल तक वो प्लान वर्क करेगा, ये आप एक कागज़ पर लिख लें। और ऐसा कभी नहीं होता है कि आप एक कागज़ पर जो प्लान लिख लिए वो पूरे साल वर्क कर गया। मेरा तो होता था कि रात में रूटीन बनता था, सुबह सुबह 5 बजे उठने का टारगेट रहता था, 9 बजे नींद टूटती थी, तो फिर वो रूटीन फट के डस्टबिन में जाता था। तो हमेशा एक रियलिस्टिक टारगेट बनाएं, ऐसा टारगेट ना बनाएं जो आपसे अचीव ही ना हो। तो रियलिस्टिक टारगेट बनाएं और उस पर स्टिक हो। आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जितना देना पड़े वो मायने नहीं रखता। आपका वो जो टारगेट है, वो जो टॉपिक है, वो जो आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे ये चीज़ पढ़ना है, वो ख़त्म होना चाहिए। मैंने कभी भी अपने ज़िंदगी में, झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भी मैंने अपने ज़िंदगी में 14 घंटे नहीं पढ़ा। मैंने अपने यहाँ 12th में भी हार्डली 8 घंटे में पढ़ता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आज एकदम 8 घंटे पढ़ लिए, कल भैया का शादी है, पूरे दिन मौज काट लिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेली पढ़ना है, 7 से 8 घंटे, 9 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो दुनिया का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आपसे क्लियर ना हो, है ना?